तो माय डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बे फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो जिन भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज के स्टूडेंट की परीक्षाएं कल परसों फिर आने वाले दिनों में लगी हैं अर्थशास्त्र की और वो बे फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो उनको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि 2024 में जो मॉडल पेपर आ रहा, क्वेश्चन पेपर आ रहा अर्थशास्त्र का, वो किस प्रकार का होगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए आते हैं हम मेन मुद्दे पे, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसका उत्तर भी आपको हम देने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन तो मान लीजिए बहुत सारे होते हैं भाई, कोई सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र तो कम से कम भाई 100-200 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन 100-200 क्वेश्चन का उत्तर तैयार करने के पास आपके पास समय है? बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से इस बार आने हैं, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। देखिए, बी ए फोर्थ सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, प्रश्न पत्र का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? और आप लोगों को समय 2 घंटे का मिलता ही है, 75 का पूर्णांक है। सबसे पहले तिलकोत्तरीय क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में जानते हैं। तिलकोत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाती हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। तो सबसे पहले तिलकोत्तरीय क्वेश्चन आ जाएंगे। तिलकोत्तरीय का पहला प्रश्न जो है वो एक मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा का मतलब मनी, डिफाइन मनी। तो सिंपल सी बात है, मनी के बारे में, रुपये के बारे में, मुद्रा के बारे में आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, बिना पढ़े हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो कॉमन प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाई लेवल का है, हर बार रिपीट होता है, और आपकी परीक्षा जो लकी है उसमें भी मेरी उम्मीद है कि फंसेगा 100% गारंटी के साथ। अगला प्रश्न है कि पत्र मुद्रा मान क्या है। तो पत्र मुद्रा मान जो है ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है आने की इस बार, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आपको वो सारे प्रश्न बताने का प्रयास करें जिनके आने की संभावना है, फालतू के क्वेश्चन ना बताएं जिनकी उम्मीद कम है आने की, ठीक है? क्योंकि समय है नहीं ज़्यादा एग्ज़ाम, ठीक है, और परीक्षाएं आप सभी की लगी हैं तो टाइम है नहीं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि फालतू के ऐसे क्वेश्चन तैयार करें जिनकी आने की संभावना कम है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की चलन गति क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है परीक्षा में, इस बार भी 2024 में पूछा जा चुका है, देख लीजिए प्रूफ है और आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, 100% नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तर कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, इसकी भी जानकारी अभी हम आपको दे देंगे विथ प्रूफ के साथ, ताकि आपको उत्तर इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि शाख नियंत्रण का क्या अभिप्राय। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, अगर आपके पास समय है तो जरूर तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि कारापात क्या है, भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार है, आने की उम्मीद कम है, तो आप इसे भी पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडबा की ओर। खंडबा में आपको मिलेंगे क्वेश्चन लघु उत्तरे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघु उत्तर में क्वेश्चन 10 आते हैं, हालांकि पेपर है जिस भी यूनिवर्सिटी का, इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तर, जो कि मैंने आपको 5 ही बताएं, लेकिन जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें मुझे उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन आएंगे अति लघु उत्तर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइए, क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न है, मतलब कि अब आ गए हम लघु उत्तर की ओर। लघु उत्तर में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ओके, एग्जाम देने से पहले इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है, भैया कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में उसका आंसर लिखना है, पूरी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत है आपको। इसको पहले सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, देन उसके बाद ही उत्तर लिखना है, ठीक है? तो पढ़ लीजिएगा आज की इस वीडियो का, मतलब लघु उत्तर का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृत होनी चाहिए, इस कथन के संबंध में मुद्रा के कार्य को विवेचना कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत, बाद में कहने का मौका ना रह जाए कि सर आप बता देते तो हम तैयार कर लेते। मुद्रा में समान स्वीकृत होनी चाहिए, इस कथन के संदर्भ में मुद्रा के कार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि अगर आप अवैध तरीके से अगर कोई पैसा कमा रहे हैं, मुद्रा का इनकम कर रहे हैं, तो वो और प्लस जो एक होती है लीगल, जो एक जिस पैसों को आप कमाते हैं वो जायज़ होता है, ठीक है? बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा में आपको डिफरेंस बताना है, प्लस दोनों के बारे में आपको लिखना है। 100% तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है, ठीक है? तो नोट कर लीजिएगा बेशक। अगला प्रश्न है कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व को समझाइए। 1100% प्रश्न फंसेगा, 100% नोट कर लीजिए। मुद्रा के महत्व के बारे में प्रश्न है, आपके सिलेबस से, आपके टॉपिक्स से जुड़ा क्वेश्चन है, तो 100% फंसेगा, महत्व के बारे में आएगा ही आएगा, देख लीजिए। आप परीक्षा देख कर रहेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि सर हाँ आपने जो बताया था वो प्रश्न फंसा है, तो ये नोट कर लीजिए। विभिन्न आर्थिक यानी कि बहुत सारे आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं जिनके अंतर्गत मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? उसके बारे में लिखना, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि व्यापारिक बैंक शाख का निर्माण किस प्रकार करते हैं।
कि जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, ठीक, उनके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, हेल्पफुल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 100% तो उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ उम्मीदें बस फंस सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई शाखा नियंत्रण की प्रमुख विधियों के बारे में समझाइए, 100% तो उम्मीद नहीं प्रश्न आएगा, लेकिन कुछ उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको वही सारे प्रश्न बताने का प्रयास करें जिनके आने की संभावना है। ये क्वेश्चन ना बता दें कि अरे बाद में पता चले, आप कहेंगे सर बताए थे लेकिन आया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता भी देते हैं कि कौन से प्रश्न के आने की ज़्यादा संभावना है और किस प्रश्न के आने की कम संभावना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त की भारत में लोक व्यय की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाइए, फिर प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फंसेगा पक्का। भारत में लोक व्यय की प्रमुख प्रवृत्ति है फिर विशेषताएं, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसका भी उत्तर मैंने बाकायदा तैयार कर लिया जो कि अभी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कौन कौन से आएंगे, हम आपको सिलेक्ट करा दे रहे हैं, फिर देन उसके बाद उसका उत्तर तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि स्थानीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, 50-50 वाला क्वेश्चन है, मतलब कि 50% उम्मीद है कि आ भी सकता है, 50% उम्मीद है कि नहीं भी आ सकता। तो आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे खंडसा की ओर, यानी कि जिनको आप लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरी, जिसको भी कुछ लोग बोलते हैं विस्तृत उत्तरी, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर देना होगा। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसी पर करना होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी पार्ट के दिए जाते हैं, ठीक है। तो दीर्घ उत्तर में पूरी दिशा निर्देश दी गई है, इंग्लिश में भी दी गई और नीचे आपको हिंदी में प्रस्तुत है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ये पूरी जानकारी आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, देन उसके बाद यहाँ पर नंबर भी लिखा है, कितने नंबर मिलेंगे आपको एक प्रश्न देने पे, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने पे। तो बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरे का जो पहला प्रश्न है, नोट करिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व को समझाइए, क्या हम बिना द्रव्य के रह सकते हैं। बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का, कई बार फंस भी चुका है कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुद्रा के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन देखिए ऊपर भी पूछा गया था लघु उत्तर में भी, और ये दीर्घ उत्तर में गया, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट है, वहाँ भी उत्तर लिखिए कि और यहाँ पर भी लिखिए और नंबर डबल ले जाइए, ठीक है। बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला कि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की रचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिशर एक प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रमुख विद्वान है, इनके अनुसार मुद्रा परिणाम के सिद्धांत के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो 100% तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि आ सकता है, बाकी अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त की भारतीय बैंकिंग की उन आधुनिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, मतलब कि भारतीय बैंकिंग की उन आधुनिक विशेषताओं के बारे में लिखिए जिनके कारण बैंक अपने ग्राहकों के लिए अधिक उपयोगी बन गए हैं। तो वो विशेषताएं, उस क्वालिटी को आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी एग्जाम के लिए, तो 100% है फंस सकता है, ठीक है। वैसे भी आपको जानना भी चाहिए, ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो। अगला क्वेश्चन कि करापात एवं कराघात, करापात एवं कराघात में अंतर बताइए और उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जो कर यानी कि टैक्स भार को निर्धारित करते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। करापात और कराघात के बारे में थोड़ा परिचय पढ़ लेंगे तो फंस गया तो आप लोगों के लिए बेटर पॉइंट है, आप बना के भी लिख देंगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको पूरे नंबर एग्जामिनर की तरफ से दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस प्रश्न को जरूर आप लोग थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रश्न है ही, इसका उत्तर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये रहा पूरा का पूरा फोर्थ सेमेस्टर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। ऐसा ही जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही आपको पहला पेज देखने को मिलेगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर रहेगा और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर से आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस मॉडल पेपर से, क्वेश्चन पेपर से आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने महासंग्राम PDF में तैयार किया है, जो कि आपको भी मिल जाएगा और लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इन PDF में, जितने भी क्वेश्चन देंगे मॉडल पेपर में। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन का ना मिले, मतलब कम उम्मीद, 2-3 क्वेश्चन की कहा जा सकता कि ना मिले, तो आपको उन क्वेश्चनों को इंटरनेट पे यानी गूगल बाबा पर सर्च करके पढ़ लेना है, ठीक है, और आपकी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी जो महासंग्राम PDF है उसमें इन मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन देंगे लगभग इन सभी का तो उत्तर मिलेगा। इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए, उनके भी उत्तर हैं, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उसमें वो क्वेश्चन और उसके उत्तर सम्मिलित हैं जो कि अभी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो महासंग्राम PDF आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी जानकारी दे दे रहे हैं। तो सिंपल सा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप दोनों पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होंगे, ग्रुप ज्वाइन होते ही आपको वहाँ पर दिखेगा एडमिन, ठीक है,
क्योंकि हमने उसमें लॉक लगा रखा है, तो सिर्फ हम इस पर मैसेज सेंड कर सकते और कोई नहीं कर सकता। इसकी रीज़न यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट फालतू को मैसेज करते रहते हैं, इसलिए इसको हमने सेंड ओनली एडमिन कर रखा है, तो हम इसे सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो आपको एडमिन का ऑप्शन दिखेगा, तो एडमिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर खुल के आ जाएगा और वहाँ पर आप हमें चैट कर दीजिएगा व्हाट्सअप पे, यानी कि मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पे कि सर हमें BA फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की महासंग्राम PDF चाहिए आंसर वाली। तो जैसे आप इतना बोलेंगे हम आपको तुरंत के तुरंत वो महासंग्राम PDF सेंड कर देंगे, तो उसमें दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और साथ साथ में मैं आपको बता दूँ ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, आप जब पेपर देने जाइएगा समय थोड़ा कम रहता है तो सभी प्रश्नों को देकर आइएगा, पेन थोड़ा फास्ट चलाइएगा ताकि ये बाद में कहने का न रह जाए कि सर क्वेश्चन तो हमारे छूट गए पर आता था उत्तर। ये वाला मतलब कि आप लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन रहता है, ये जो मौका आप लोग मिल जाता है आप लोगों को कहने का कि सर टाइम बचा ही नहीं था वरना हम लिख के इसको आते, ठीक है। टाइम का शॉर्टेज वाला जो एक्सक्यूज है ये वाला मत छोड़िएगा। सबसे ज़्यादा आप एक ही गलती करते हैं कि पहले क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा आप लोग टाइम देते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको वॉच ज़रूर लेकर जाना है, तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट ही अपने फर्स्ट क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही कि आधा घंटे करीब पहले प्रश्न का उत्तर लिखने में लिख देते हैं और उसी में टाइम का उनकी शॉर्टेज हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है आप सभी के लिए, ठीक है, जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ये सोचिएगा कि हमारे पास और भी क्वेश्चन है हमको उनके वही उत्तर देने हैं, ठीक है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ जानकारी पहले से होंगी एग्ज़ाम में, हर एक चीज़ यही नहीं होती हर कि आप सभी क्वेश्चन का उत्तर तैयार करके गए, पता चले कि आप तैयार तो करके गए लेकिन आपके पास समय नहीं सभी प्रश्नों को उत्तर लिखने का, तो ये बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, हिसाब से टाइम रहते सभी प्रश्नों को उत्तर दे देना। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।